नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। घुटनों का इलाज एक्सरसाइज, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। अब दवाइयाँ खाओगे कोई फायदा नहीं है, दवाई खाओगे तब तक तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा, दवाई छोड़ते ही दर्द फिर हो जाएगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि आप एक्सरसाइज करना सीख लीजिए, और जो मेरे पास आता है उसको मैं एक पैकेज बना के दे देता हूँ एक्सरसाइज अपने हिसाब से, कि कोई दर्द ना करे, जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको मैं छुटवा देता हूँ, बाकी सारी एक्सरसाइज में उसको समझा देता हूँ। आप भी अच्छे से समझ लीजिए, एक्सरसाइज करोगे तो आप ठीक हो जाओगे, नहीं फिर ऐसे ही दवाई खाते रहना, नहीं फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और ये जो हमारे साथ बहन जी है, ये 2 महीने से योग कर रही है, ये पुराने एक्सरे भी लेके आई है और नया एक्सरे भी लेके आई है। इनका नाम है अपर्णा साहा, जो मुंबई महाराष्ट्र से आई है, और बता रहे हैं कि 2 महीने से मैंने एक्सरसाइज की वीडियो को देख के तो कितना फर्क होता है। मेरा वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप दूर बैठे एक्सरसाइज सीखे और करें, विश्वास से करें, विश्वास से नहीं करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। कितने लोग ठीक हो रहे हैं, मेरे पास फोन आते हैं और कई होते तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उनके वीडियो भी मैंने पहले बनाए हैं, जो मैंने यमुनानगर का बनाया था वो 100% ठीक हो गया है, ठीक है ना। अगर आप मेहनत करोगे तो मैं 6 महीने का समय देता हूँ, तो 6 महीने में ठीक हो जाओगी। आज बहन जी को हम बता देंगे, क्योंकि दूर से आई है, बार बार आ नहीं सकते, ये तो सारा पैकेज में समझा देंगे, क्या खाना है, कैसे मालिश करनी है और कैसे इनको एक्सरसाइज करनी है। खाने पीने पे कंट्रोल कर रखा है ना? खाने पीने तो है मेरा, हाँ, खट्टी चीजें नहीं खानी आपको, खट्टी चीजें आपको नहीं खानी है। मैं मिठाई भी ज्यादा नहीं खाती, मिठाई भी ज्यादा नहीं खाते, मिठाई होता ही नहीं। अच्छा अच्छा, मुंबई में मिठाई नहीं होता? मुंबई में होता है, हम लोग दोनों नहीं खाते। अच्छा, नहीं, अच्छी बात है। चलो, तो आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा घर जाके वही करना है, ठीक है। अब मैंने आपकी एक्सरसाइज देख ली, अब मैं आपको बताऊं, पहले तो पैर खोल लीजिए। पहली एक्सरसाइज में ये बताता हूँ, पंजों का अंदर करो, ये करते हो, हाँ, और बाहर करो। हर एक्सरसाइज को आपको 20 बार करना है, 20 बार से कम नहीं करना है, और धीरे धीरे, 2 महीने होने तो आपको धीरे धीरे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो आप 20 बार करके दिखाओ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पैरों को और खोल लीजिए, इतने पैर खुलेंगे, ठीक है। अब पंजे आराम से अंदर जाएंगे, करो नेक्स्ट, 12, 13 और कोशिश करिए अंदर ले जाने की, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। इसको आप फास्ट भी कर सकते हैं, आपको लगे ना कि ज्यादा ज्यादा करना है तो फास्ट भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके कर दो, करो फास्ट एक बार। हाँ, दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? नहीं, दर्द नहीं होना चाहिए, बता देना, ठीक है। और 20 बार ही इसको, जब ज्यादा भी कर लेना, दिन में 2 बार भी आप कर सकते हो, 3 बार भी इसको कर सकते हैं, जैसे आप बेड पे आए इसको कर लेना, पैरों की मांसपेशियां रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। अब पैरों को मिला लीजिए, ये भी हम 20 बार करेंगे, कैसे करेंगे, 1, 2 पीछे खींचना है। कई लोग क्या करते हैं, यहां तक रोक के और फिर आगे ले आ जाते हैं, ऐसे 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 नहीं करना आपको, 2 पूरा खींचे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये आप लेट के भी कर सकते हैं, जब आप बिस्तर पे लेटे हैं तब भी कर सकते हैं, ये जितना चाहे उतना कर सकते हैं, इसमें दर्द नहीं है, ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज मानता हूँ मैं, ये आप जितना करोगे उतना फायदा आपको मिलेगा। लेटे लेटे भी, हाँ, सोने से पहले करो और उठने से पहले ही कर लो, और दिन में आप जब भी आपको समय मिल जाए तब भी आप कर लो, कुर्सी पे बैठे बैठे भी आप कर लो, मैंने कुर्सी पे बैठे बैठे बता रखे हैं, जहां जहां समय मिले, ऑफिस में हो तो ऑफिस में कर लो, ठीक है। अब गोल गोल घुमाओ इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पीछे भी लेके आने की कोशिश करो, ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20 सही घुमा रहे हो, बिल्कुल क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज, दर्द तो नहीं है? नहीं नहीं। चलो करो, 1, 2, 3, 4, 5,
छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, ठीक है। 61 वर्ष उनकी उम्र है। कहता है कि 40 के बाद दर्द आना शुरू हो जाता है, अब तो 30 के बाद भी दर्द आना शुरू हो जाता है। बच्चे भी आते हैं मेरे पास 35-35 साल के बच्चों के ज्वाइंट खत्म हो गए, 60 के बाद तो वही उम्र है वही, धीरे धीरे हो भी जाता है। फिर भी आप एक्सरसाइज करोगे ना तो 40 के बाद आएगा, ना 60 के बाद आएगा, ना 80 के बाद आएगा। 80 वाले भी आराम से एक्सरसाइज करते हैं, मेरे पास 80 प्लस वाले भी आते हैं, उनको भी अच्छे से मैं सिखाता हूँ, ठीक है। अगले कैसे करोगे, एक आगे पीछे करना, एक पीछे खींचो एक आगे की ओर, दो करते हो ये, हाँ, तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस, ये भी 20 बार करते हो ना, ठीक है। नेक्स्ट करो, अब पैरों की उंगलियों को जोर से मोड़ो, एक दो तीन चार पांच, और जोर लगाइए, छः सात आठ नौ दस, ठीक है। ये भी आप कई बार कर सकते हैं, पैरों की उंगलियों में दर्द हो तो दिन में चाहे 50 बार कर लो 60 बार कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैठे बैठे हाथ से भी कर सकते हो और पैरों की उंगलियों से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से पैर मोड़िए और नीचे ऐसे हाथ लगाइए, अब पैर सीधा करें, एक आगे की ओर, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, पैर इतना मुड़ता है ना आपका, धीरे धीरे कोशिश करो पैर को पास लाने की। जैसे हमने हाथ लगा लिया, जैसे पैर आएगा ना ऐसे, अब इतना मुड़ रहा है तो और थोड़ी कोशिश करो, हर बार में थोड़ी एक पे की पॉइंट कोशिश कर लो कि थोड़ा और मोड़ू थोड़ा और मोड़ू, पैर आपका मुड़ जाएगा, ठीक है। उस पैर से करो, अब पंजे ऊपर कर लो, जैसे ये पोजीशन ले लो पहले, ये पोजीशन, अब पंजे ऊपर करो, एक अब पंजा आगे की ओर कर दो, दो हो गए, अब ऐसे तो वापिस, एक तो ये पोजीशन और दूसरी पोजीशन ये, ठीक है। अब करो इसको कंटिन्यू, ये पोजीशन है कि एक दो, अब मोड़ना और कोशिश करो, तीन अब और मोड़ो थोड़ा, हाँ चार पाँच छः सात आठ नौ दस, इसको भी आप 20 बार करना, इसको और बढ़ाना आप, ये वाली एक्सरसाइज और ये आगे पीछे करने वाली, ये ज्यादा करना, ये फायदे रहेगी, ठीक है ना, इससे फायदा मिलेगा। अगली जो एक्सरसाइज है जो आप करते हो बेल्ट द्वारा, बेल्ट पकड़ाना बहन जी, ये बेल्ट नहीं, वो ये वाला, एक ये वाली एक्सरसाइज अच्छी है, ये अपने पास रखा करो, ये फोम बेल्ट, हाँ जब भी इच्छा करे तभी कर लेना, और ऊपर लगाना और खींचना, इसको जितना खींचोगे इतना फायदा मिलेगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ठीक है। अब इस पैर से कर लो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, एक बार फिर करो, अब आप गिनो कितने कैसे करोगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, वेरी गुड, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ठीक है। अब ये बेल्ट है तो आपके जैसे पैर बाहर की ओर बता रहे हो ना, या तो पट्टा मिल जाएगा है कुछ, या फिर बेल्ट मिल जाएगा, बेल्ट मिल जाएगा, नहीं ये है ना, ये इसको ऐसे, इसको ऐसे भाग लेना,
या घुटनों पे नहीं बांधना, पिंडली है ना, पिंडलियों पे बांधना, जहां से आपके पैर बाहर की ओर जा रहे हैं ना, ये ऐसे बांधना, ऐसे निकल रहे आपके पैर, तो ये आप थोड़ा लंबा ले लेना पट्टा, ज्यादा जोर नहीं लगाना, ये ध्यान देना, सही है जो सही है इतना बता देना, ज्यादा तो है तो फिर भी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप कर लेना, ऐसे बांध लिया। अब ये एक्सरसाइज करेंगे आगे पीछे करने के, एक दो तीन चार, और धीरे धीरे इसको हल्का हल्का टाइट करना, पैर थोड़ा थोड़ा अंदर आए, ये आपके जो पैर बैंड हो रहे हैं ना धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और ज्यादा नहीं मुड़ेंगे, ठीक है ना, नहीं इससे चाल बिगड़ जाती है इससे, है ना। तो आप ये बांध के भी एक्सरसाइज करना, एक दो तीन, ये खूब सारी करना, 20 बार, 40 बार, 50 बार, पैर लटका के आगे पीछे करना, ठीक है। आप कुछ भी चीज यूज कर सकते हो, पट्टा यूज कर सकते हो, आपका दुपट्टा यूज कर सकते हो, या कोई भी बेल्ट हो, उस प्रकार से हम इसका ध्यान रखना, ये भी करना। आप जो समस्या बता रहे थे ना, ये वाली ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से घुटनों में दर्द होता है, और अलाइनमेंट बिगड़ते बिगड़ते पैर भी हमारे टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। पैर मोड़िए, उससे पहले आप फोम वाली कर लीजिए, पैर सीधे करो, फिर दबाओ इसको। आप टॉवल यूज करते हो? हाँ, मैं टॉवल। पूरा दब जाता है? नहीं दबता हूँ, नहीं ऐसा ये नहीं होता है ना। अब ये पूरा दब गया ना? हाँ। ये सही है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ठीक है। आप कंटिन्यू भी कर सकते हो इससे, फिर कर सकते हो चाहो तो, या बदल बदल के कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। गिनो, दस, ठीक है। अब इससे और कर लो, वीडियो चला के करते हो, मेरी गिनती से काम चल जाता है। मैं काउंटिंग करता हूँ, हाँ मैं काउंटिंग करता हूँ, आप दबा लेते हो, मेरी काउंटिंग खत्म, आप भी छोड़ देते हो। नौ दस, इस प्रकार ही गिनना, आप सही गिन रहे हो, सेकंड के हिसाब से गिनना, ठीक है। अब पैरों को मोड़ो, अब ये फोम दर्द करती है ना आपको, देखो एक बार फिर करके देखो, हाथ से नहीं मोड़ना ये। अब ऑनलाइन ये बोल मंगा लेना, हाँ ये बोल लेना, ऑनलाइन मंगा लेना, ये सही है, ये है। 10 सेकंड गिनो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ठीक है। ये 5 राउंड करने हैं आपको, अच्छा। एक राउंड में एक राउंड किया 10 सेकंड का, दूसरा राउंड भी 10 सेकंड का, ठीक है। अब इस फॉर्म को आप इसके नीचे लगा सकते हो, लगा के और दबा दो इसको, यहाँ से दबाओगे तो यहाँ जोर पड़ेगा, हाथ हटा लो, इसको दबा दो, अब यहाँ जोर पड़ेगा, दर्द तो नहीं हो रहा, हाँ। 10 गिनो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये भी 5 बार करना, ये बदल बदल के करना, ठीक है, ताकि एक मास फेशियम ज्यादा खिंचाव ना आए। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ठीक है। 5 बार इस पैर से और 5 बार इस पैर से, ये ध्यान देना, और जो जो मैं करवा रहा हूँ वही करना आप। अब ये नी रोल है, घुटनों के नीचे लगा लीजिए, दोनों के नीचे नहीं लगा जी, हाँ दोनों एक साथ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और बिछा जी। अब आगे से पैर उठा लीजिए, इसको दबाना नहीं, बस इसको आगे करना, आप करो इसका बिल्कुल सीधा पैर कर लो, हो गया। एक दो दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, डाउन, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरेंगे, उसके बाद फिर उठाएंगे, फिर करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, डाउन। ये भी आप 5 बार लेके 10 बार कर सकते हैं, ये लेटे लेटे भी कर सकते हैं, अगर आपको लगे कमर दुखने लग गई तो आप लेट के भी कर सकते हैं, यही पोजीशन रहेगी लेट के भी, ठीक है। अब बैठे बैठे कर लोगे? मैं बैठे बैठे, मजबूत हो आप, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है,
अब पैर लटका लीजिए, वेट वाली और करवा देता हूँ। ऐसे ला रखे आपने वेट? हाँ ऐसे। ठीक नहीं, ऐसे ही होने चाहिए। मैं ऐसे मैं बताता हूँ, किसी को नहीं मिले तो अपना कोई भी बांध लो, 1 किलो कोई भी वजन बांध लीजिए, ज्यादा बेस्ट रहते हैं, अच्छे से बन जाते हैं और अच्छे से। और आप रसोई में भी यूज कर लिया करो इनको, रसोई में पहन के आप अपने घर में यूज कर सकते हो। घुमाओ, नहीं आप गलत कर रहे हो, थोड़ा आगे आओ, यहाँ इतना ऊंचा जो बेड होगा तखत होगा, ठीक है, इतने आगे निकाल के और पैर को ढीला छोड़ दो और थोड़ा ऐसे राउंड लो, 1 2 ऐसे करते थे, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 10 बार। कितने दिन से कर रहे हो वेट वाला? वेट वाला ज्यादा दिन नहीं, 1 महीना। ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है। अब और क्या क्या करते हो वेट बांध के? पैर को सीधा करते हो, दर्द तो नहीं होता यहाँ पे? नहीं। फिर कर लो, कितने देर रोकोगे? जितना तक ही मैं ये करती हूँ। नहीं रुको, होल्ड कितने देर रखोगे? 10 10। ठीक है, अच्छा ये 10 करोगे, 2 ऐसे, ठीक है कर लेना। ये भी आदत पड़ गई ना इसकी? हाँ, शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में नहीं बताता मैं किसी को, आपको 2 महीने हुए करते हुए आप कर सकते हो। अच्छा। हाँ बिल्कुल कर सकते हो, इस पैर से करना फिर उस पैर से करना। उसके बाद फिर आप ऐसे बैठ के कुर्सी पे या ऐसे बैठ के पैर को ऐसे पकड़ लो। अच्छा। और ऐसे हिला लो, ऐसे भी आप हिला सकते हो। करते हो? ठीक है, ये कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हो। सारे करते हो? सही है। और नीचे कर लो, अब नीचे कर लो, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना, ठीक है, वीडियो में देख देख के फिर घुमा लेना। अब ऐसे भी कर सकते हो आप, जब आपको आदत पड़ जाए ना। हाँ। इसको कंटिन्यू बांध के रखना और बैठे बैठे स्पेशल इसकी एक्सरसाइज करना, 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करना। मेरा एक वीडियो है कुर्सी पे बैठ के, मैंने स्पेशल वेट के ऊपर बना, वो स्पेशल वेट वाली है। फिर आप जैसे अभी कर रहे थे, फिर बीच बीच में ऐसे 1 2 3 4, नहीं तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 करो एक बार, ऐसे भी कर सकते हो आप सीधा, 1 2 पंजा मारो, 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब पैर चेंज कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 बार इस पैर से, 5 बार इस पैर से, ठीक है, आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आपके घुटनों में जो कमी थी ना, आप जो पहले एक्सरे करवाए थे और आप करवाए 6 महीने बाद, जो गैप इसमें ज्यादा टच हो रहा है, ठीक है ना, और इसमें हल्का हल्का खुलने की कोशिश कर रहा है, ये देखो हल्की से हल्की इसमें खुलने की कोशिश कर रहा है, मतलब आपका असर शुरू हो गया है ठीक होना। और यही बीमारी है, अगर आप मेहनत करोगे ना, इस वेट वाली जरूर करना, ये ऐसे खुले नहीं घुटने, बैठे बैठे अपना चल के दिखाओ, चल भी लेते वेट बांध के। हाँ चल के दिखाओ, सही है, आ जाओ इधर। और जो पैर टेढ़े हो गए ना, इनकी जरूर करना आप एक्सरसाइज, ठीक है, और कंटिन्यू आप करते रहना, और आप भी करते रहना, क्योंकि ये तो आ गए दूर से, महाराष्ट्र से, मुंबई से आ गए, हर कोई नहीं आ सकता, खर्चा भी लगता है, एरोप्लेन में आए हो, ठीक है ना, तो खर्चा भी लगेगा। जो महाराष्ट्र के मेरे पास सबसे ज्यादा फोन आते हैं, जो सुन रहे हैं मुंबई से भी और सारे महाराष्ट्र से भी, अच्छे से कर लो, सीख लो, जो मैंने बहन जी को अभी वीडियो बना के दिया है, आप वैसे ही कर लेना, करना आराम से, धीरे धीरे करना, जल्दबाजी में नहीं करना। जो एक्सरसाइज दर्द करे वो
वो नहीं करना, खट्टी चीज नहीं खाना, वायुवाजिक चीजें नहीं खाना, मालिश करना, दो बार मालिश करना, ठीक है, सीढ़ियां कम से कम चढ़ना, जो सीढ़ियां होती है कम से कम चढ़ना, मॉर्निंग वॉक नहीं करना, हाँ मॉर्निंग वॉक नहीं करना, ये कुछ परहेज होते हैं, ये हमें अपनाने पड़ेंगे तब जाके ठीक होंगे। अच्छा। साथ में आप प्राणायाम भी कर सकते हो, करते हो प्राणायाम, कपाल भाति अनुलोम विलोम सीख लीजिए, पैर भी ठीक हो जाएगा, पूरा शरीर भी ठीक हो जाएगा। जब हम बाहर नहीं घूमेंगे तो बैठे बैठे अनुलोम विलोम कर लिया करो, बैठे बैठे ये वाला इस दिमाग भी ठीक रहेगा, ठीक है। जो नए हैं मेरे सदस्य बनना चाहते हो मेरे से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने साथी हैं वो शेयर कर दीजिए, और महाराष्ट्र वाले तो विशेषकर ध्यान देंगे इस वीडियो पे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए पैकेज के साथ। जय हिंद, जय भारत, बहन जी आपका भी धन्यवाद।